पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो प्रकरण को लेकर प्रदर्शन करने वाले सपा नेताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानिया अली शानू, पूर्व जिला अध्यक्ष अथर अंसारी समेत 3 नामजद और 30-40 अज्ञात को आरोपी बनाया गया। आरोप है कि बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकाला गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई। सोमवार दोपहर पुलिस ने शानिया अली शानू को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक रविवार शाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुगलपुरा क्षेत्र के GIC चौराहे से मशाल जुलूस निकाला था। जुलूस मंडी चौक, बर्तन बाजार, चौमुखा पुल होते हुए नगर निगम कार्यालय तक पहुंचा था। सपा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष शानिया अली शानू के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। मुगलपुरा थाने में तैनात SI नितेश सहरावत ने इस मामले में शानिया अली शानू, तालिब अंसारी, पूर्व जिला अध्यक्ष अथर अंसारी और 30-40 अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया। आरोप है कि जनपद में धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति के मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी भी की गई थी। बिल्किस बानो प्रकरण के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए नारेबाजी की गई और आने जाने वाले लोगों को भी भड़का कर माहौल खराब कराने की कोशिश की गई थी। कल एक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था कुछ लोगों द्वारा, और उसमें सुसंगत धाराओं में बिना परमिशन के जुलूस निकालने के हमने मुकदमा लिखा है, और जुलूस का जो प्रायोजक था उसको हम उसको गिरफ्तारी करिए उसके, और उसको हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाकी लोग के खिलाफ भी जो कार्रवाई होती है वो विधिक कार्रवाई हम करवा रहे हैं। इसमें सर कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा है, कितने अज्ञात? इसमें करीब 25 लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।